पृथ्वी सुंदर, प्रकृति सुंदर, उसे भी सुंदर ये देश। हमारी सभ्यता, हमारी अधिकार, हमारी सभ्यता, हमारी अधिकार, हम करते हैं घोषित भाभी जी, भाभी तू बैठ, मैं देखती हूँ कौन आया है। मैं भी आ रहा हूँ माँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। प्रशांत नमस्ते, मैं गाड़ी देखकर ही समझ गया था तू जरूर आया है। अब बताओ कैसे हो। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं। हाँ मैं भी ठीक हूँ। आप दोनों बात करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ भाभी जबरदस्त चाय बना। आइए बैठिए। हाँ जरूर जरूर, तू भी बैठ जा। अब बताओ घर में सब कैसे है। सब ठीक ठाक है। अच्छा अच्छा, वो हमारे स्कूल के वो होनर बच्चा, अरे हेमंत, वो कैसा है। वो भी ठीक ठाक है, आपको बहुत याद करता है। अच्छा। हाँ मुझे आज भी याद है, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान देने वाला बच्चा वो एक ही था, हेमंत। बहुत अच्छा था। और बताइए चाचा जी हमारा स्कूल कैसा है। हाँ हाँ स्कूल तो ठीक है। स्कूल ठीक है, और मेरा भी तो नौकरी ज्यादा दिन नहीं है। मैं तो सोचा कि रिटायरमेंट के बाद खेती बाड़ी कर लूंगा। बहुत बढ़िया विचार है चाचा जी। हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी। हाँ बोलो। वो मैं सोच रहा था कि माँ को मैं अपने साथ लेकर जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सोच रहा था कि यहाँ की जो जमीनें हैं ये सब बेचकर शहर में अपना एक फ्लैट ले लूं, ताकि माँ के साथ हम सब इकट्ठा रह सके। कुलेन तुम ही इसे समझाओ ना। भाभी प्रशांत तो ठीक ही कह रहा है। हाँ चाचा जी मैं भी यही समझा रहा था, आप ही बताइए। यहाँ रहकर अगर माँ बीमार पड़ गई तो यहाँ देखने वाला कौन है बताइए। अरे बेटा तुम्हारे कुलेन चाचा है ना, और चाची जी भी है। वो भी ठीक है, जरा सोचिए आप भी अगर वहाँ जाकर उन लोगों के साथ रह लेंगी सबको कितना अच्छा लगेगा। वही हा? तो हाँ चाचा जी मैं भी तो वही समझा रहा हूँ। चाचा जी आप ये जमीन बेचने का प्रबंध कीजिए, मुझे ये जमीन बेचना है बस। हाँ जब तूने फैसला कर ही लिया तो चल शाम को बनिया से बात करते हैं। तो मैं अभी बनिया को फोन कर देता हूँ। जी ठीक है। रश्मि, हे रश्मि। ओ आप आ गए। हाँ तुम किस उसमें डूबे हुए हो, क्या क्या हुआ। मैं मिताली के बारे में सोच रही हूँ। मिताली के बारे में क्या हुआ। नहीं उनकी एग्जाम जो नजदीक आ रही है, पता नहीं ये लड़की क्या करेगी। अरे तुम ये सोचना छोड़ दो, मेरा पूरा भरोसा है मिताली और उनकी दोस्तों ने अगले से भी अच्छा से अच्छा रिजल्ट करेंगे, देखते रहना। पता नहीं, भगवान करे ऐसा ही कुछ हो। वाह यार एग्जाम इतना अच्छा था, मजा आ गया आज तो। वाह बेटा
तेरा इतना अच्छा हुआ हा? अरे पगले, जिस एग्जाम में मैं पास हो जाऊँ ना, वही अच्छा एग्जाम है मेरे लिए। और ज्योतिमाला, तेरा कैसा हुआ? मेरा तो पूछो ही मत, इतना बेकार था, किसी ने मदद भी नहीं की। तुझे एग्जाम हॉल में भी मदद चाहिए? पढ़ाई करके नहीं आई थी क्या? और आज एग्जाम हॉल में नयन तो सो ही गया था। देखो तुम लोगों को मैं देख लूंगा, तुम लोगों ना मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, एक एक को देख लूंगा। लेकिन हाँ, अरे वो देखो लैला मजनू आ रहा है। वाह, आने दे। हाँ हाय। और कैसा था तुम लोग का एग्जाम? एकदम बढ़िया, मेरा भी ठीक था। हाँ, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? हाँ, मिश्रा सर ने रुक लिया बस। ओह, मिश्रा सर ने रोक लिया था। अरे छोड़ो ना ये सब, बहुत भूख लगी यार, जाना है। चलो मैं तुम्हें चलाता हूँ। सबकी लगी हुई है यार, हे भगवान, कभी मेरे ऊपर भी मेहरबान करो। चलो बीमारी से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। चाचा जी, ये जमीन बिक जाए तो मेरा सपना पूरा होगा, मैं एक फ्लैट बुक कर सकता हूँ। देख देख बेटा, ये जमीन के प्रति तेरे पिताजी का बहुत लगाव था, बहुत परिश्रम करके ये घर बनाया था, फिर भी चल बात करते हैं। हाँ चलिए। लाला जी। मास्टर बाबू आइए। हाँ। आइए आइए, बैठिए। लाला जी, ये है प्रशांत, मेरा भतीजा। नमस्कार। नमस्कार। वो जो आपको मैंने जमीन के बारे में बताया था ना। हाँ हाँ हाँ, अब बोलिए क्या किया है? जमीन तो मेरा देखा हुआ हो, और व्यापार का हालत बहुत खराब है अभी, तो आप लोग को एक दो महीना तो रुकना होगा। उसमें और एक बात है, मैं बता देता हूँ, मैं उस जमीन का 10 लाख रुपया दे पाऊंगा केवल। सिर्फ 10 लाख? जमीन गांव के भीतर है, भीतर की जमीन है। जरा सोचिए लाला जी, आप इस जमीन के दाम दे रहे हैं बहुत कम है। आप बताइए आपको कितना चाहिए? जी 15 लाख। 15 लाख? जी देखिए, 15 लाख तो बहुत होता है, फिर भी मास्टर जी मेरे साथ के हैं, तब मैं आपको थोड़ा सा सोच के मुझे बताना होगा। जी थोड़ा जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, बात कर लेते हैं। जरा जल्दी सोचिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। हाँ फिर मिलेंगे। आइएगा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। और तुम्हारा पेपर कैसा रहा?
सर सारे पेपर्स अच्छा हुआ। ऐसे भी तुम हमारी यूनिवर्सिटी के सबसे काबिल विद्यार्थियों में से एक हो। थैंक यू सर। सर मैं हॉस्टल छोड़ने के बात करने आया। ओ हाँ, तुम्हारा तो कोर्स खत्म हो गया। जी देखो, देखते ही देखते तुम लोगों का साथ 3 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाँ भी सर, मेरे क्लास को हॉस्टल को बहुत मिस करूंगा। सर अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। बस बस हेमंत, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ तुम जिंदगी में बहुत बहुत ऊपर जाओ। थैंक यू सर। सर अभी मैं चलता हूँ। थैंक यू। हाँ बेस्ट ऑफ लक। मैंने कहा ना तू चिंता मत कर। पर मुझे बहुत चिंता हो रही है यार। तुझे अगर मुझ पर भरोसा नहीं है, हमें नोट देगा? मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, अब चिंता किस बात की। चल देखते हैं। और हाँ मैंने जो कहा है अगर वो हो गया तो आज का कैंटीन का खर्च मैं दूंगा। बस तुझे वहाँ अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। ओके ठीक है। ठीक है पक्का? पक्का। अरे हिस्सा पाने की क्या जरूरत है? मानी स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है तो तुमको खाना पड़ेगा। घर कब जा रहे हो? कल जाऊंगा। जल्दी आना। हाँ जल्दी आऊंगा। सोच रहा हूँ माँ से मिलकर आने के बाद भाई के साथ ही रहूं। हाँ इस बार तो तुमको हॉस्टल भी छोड़ना है। हाँ वही। तुम गुस्सा नहीं करो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। रिजल्ट आने के बाद कॉलेज में कोई प्रोफेसर का पोस्ट अप्लाई कर देना। फिर वही बात, कितनी बार तुम्हें समझानी होगी ये नकली मुझे नहीं करना है, फिर भी तुम। ठीक है गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमेशा तुम एक ही बात बोलती हो। अच्छा ठीक है कल घर जाओ, वापस आने के बाद डिसाइड करते हैं। टू प्लस टू इजुकल कितना होता है? फोर। फोर लिखो। टू प्लस टू इजुकल फोर। हाँ अभी बाकी का लिखो। रीमा इस बार मैं गांव का जमीन और घर बेचने का पूरा प्लान करके आया। चलो इस बार गांव जाकर ये बात तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी हेमंत अपने कॉलेज खत्म करने के बाद हमारे साथ यहीं पे रहने आने वाला है कुछ दिनों के लिए तो ठीक है, पर अपना एक बड़ा सा फ्लैट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा है ना? अरे उसके लिए ही तो मैं ये सब कर रहा हूँ ना। एक बार गांव का जमीन और घर बिक जाए ना तो माँ का मोह गांव से अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ वैसे भी माँ अकेली वहाँ पे कितना दिन रहेगी? यही तो, पता नहीं माँ यहाँ क्यों नहीं आना चाहती। अरे यहाँ पे तो हम सब लोग हैं, उन्हें तो अच्छा ही लगेगा ना। अब बस उन्हें यहाँ पर लेकर आइए, यहाँ पर रहते रहते उन्हें यहाँ पर भी अच्छा लगने लग जाएगा। क्या अब दादी माँ हमारे साथ रहेगी? तब तो मैं उनसे बहुत सारी कहानियाँ सुनूंगी। हाँ दादी माँ हमारे साथ यहीं पर रहेगी और तुम ढेर सारी कहानियाँ सुनना ठीक है? अच्छा तुम अब पढ़ाई करो, तुम बैठो मैं अपना काम निपटा के आती हूँ। तो लिखो 2 + 3 2 + 3 = 5। हाँ अभी तेरा भाई का फोन आया था। क्या कहा? कह रहा था कि अगले महीने गांव आएगा, जमीन की बात पक्की हो चुकी है। क्या कहा? कौन सा जमीन? यही जमीन अगले महीने आके बेचेगा, वो भी हमारे गांव के बनिए के पास। ये जानकारी मुझे क्यों नहीं दी गई? अब मुझे लगा भैया को बनिए के पास ले गए। कौन और कौन? वही तुम्हारा कुलेन चाचा। क्या कुलेन चाचा?
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम, हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देख, वो तो फैसला कर ही लिया था जमीन बेचने का, मैं बंदोबस्त कर दिया। उन्हें ये जमीन बेचने क्यों है? कह रहा था माँ को शहर लेके जाएगा, फ्लैट खरीदेगा। इसके लिए जमीन बेचना क्या जरूरत है? शायद पैसे के लिए होगा। पैसे सही है, और तो कोई व्यवस्था हो सकती है? इसके लिए जमीन क्यों बेचना है? ये जमीन पिताजी का निशानी है, इसे बेचना मतलब गांव से हमारा रिश्ता खत्म करना। इस गांव से पिताजी का यादें और हमारा बचपन का सुनहरी याद जुड़ी है। हाँ, वो भी तो ठीक है, पर आप क्या करें बेटा? ससा जी, आप बनिए से मना कर दीजिए और कह दीजिए इस जमीन उसे हमें नहीं बचना है। ठीक है, तो प्रशांत, उनसे मैं बात कर लूंगा। ठीक है, देख लो, चलता हूं। हाँ, हाँ हेमंत बोल। भैया, कल मैं शहर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। ऐसे नहीं, मिलकर। क्या हुआ, तू आज ही गया था और आज ही वापस आ रहा है, सब ठीक है ना? आपसे मिलकर ही बात करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आ जा। मैं क्या सुन रही हूँ भैया, आपने जमीन बेचने का फैसला लिया है? हाँ किया है। लेकिन क्यों, मुझे एक बार बताना भी सही नहीं समझा? देखो हेमंत, हम सब साथ रहेंगे और माँ भी तो आएगी ना, और इसके लिए आपको जन्मभूमि को ही बेचने का फैसला लिया है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको पता भी है भैया, जन्मभूमि होता है क्या? अरे जन्मदात्री की तरह जन्मभूमि का भी स्थान श्रेष्ठ है। अरे जिस प्रकार हमें हमारा जननी से लगाव रखते हैं, उसकी सम्मान करते हैं, उसी प्रकार ये जन्मभूमि भी हमारे लिए वंदनीय है, इसकी रक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, और आप सन पैसे के लिए उसे ही बेचने लगे? कितनी यादें जुड़ी है इस जमीन से हमारा परिवार का, ना दिल ना सुटा हो गया कि आप। तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं अपने जन्मभूमि की सम्मान नहीं करता? अगर करते तो यू बेचने के बाद नहीं करते। एक बात याद रखे भैया, माता और जन्मभूमि की सम्मान की साक्षात मनुष्य का पूर्ण विकास संलग्न है। देखो, किसे सम्मान दिया जाए या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार जो फैसला कर लिया सो कर लिया, और मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता। तो आप भी सुन लीजिए भैया,
मैं ये जमीन आपको बेचने नहीं दूंगा। हेमंत पहले चाय पी लो। नहीं भाभी, मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? ऐसे गुस्सा करने से कोई समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। पहले चाय पी लो, फिर शांति से बैठकर हम बात करेंगे, कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकलेगा। भैया जो करना है जल्दी करो। हेमंत, 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 Hey, hey.